हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको लेगो से एक ड्रिलिंग मशीन बनाना सिखाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमें चाहिए कुछ इस तरीके का, यहाँ से चार और यहाँ से छः का एक स्लैब। उसके बाद हमें चाहिए कुछ इस तरीके की, ये दो जो दो वाले हैं पर इस पे डॉट है ये, और हमें चाहिए चार दो वाली टाइल कुछ इस तरीके की, और हमें चाहिए दो दो वाले कुछ इस तरीके के ऐसे। पहले हम इसको इस चार वाले पे ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, और एक ये दो वाले यहाँ पर लगा देंगे साइड में। हाँ, और हम एक और ये छेद वाला यहाँ पर लगा देंगे, और ये टाइल हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारी टाइल लग गई। उसके बाद हमें इसके ऊपर लगाने हैं चार चार वाले कुछ इस तरीके के। हम इसको यहाँ पर एक लगा देंगे। उसके बाद हमें एक और लेयर बनानी है। हमें चाहिए चार ऐसे तीन वाले, ये रहे वो। इसके ऊपर हम ये लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे हम इसको लगा देंगे आठ वाली जगह पे। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। एक और लगा देते हैं। फिर हमें चाहिए दो दो वाले यहाँ पर लगाने के लिए, लंबे वाले एक। हाँ, वैसे ही जैसे तीन वाले थे और चार वाले। हमारा ये सेल डालने की जगह बन गई, क्योंकि ये हम बैटरी वाली बना रहे हैं। फिर हमें बनानी है एक मोटी सी स्क्वायर ऐसी लेयर, वो भी 11 की, 11 नंबर ऊंची। पर हम यहाँ पे अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये दो लगा देंगे। उसके लिए हमें एक ये पतले वाला डबल साइडेड चार वाले की जरूरत होगी, और एक चार वाला पतले वाला सिंगल लेयर। इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, और ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे, और हम इसको यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये दिखे ना। फिर हम इसकी 11 लेयर्स पूरी करते हैं इन सब से लगाकर। ऐसे ऐसे और ऐसे, और लेंगे इसको पूरा करने के लिए। अभी तक हमारी पूरी 4-5 लेयर हो गई हैं, और ये 6वीं, 1 2 3 4 5 6, हमारी 6 लेयर हो गई हैं। ये 7वीं, और ये 8वीं, और ये 9 8वीं हो गई है, ये 9वीं। हम ये भी लगा सकते हैं तीन वाले डबल साइडेड, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हम ये चार वाला लेकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और हम फिर से यही लगाकर पूरा कर सकते हैं। अब हम अपनी लेयर्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुई हैं हमारी, मैंने गलत काउंट कर लिया था। उसके बाद अब 11 होने के बाद हमें ये लगाने हैं ऐसे 6 वाले यहाँ पर, ये हमारे लग गए। उसके बाद हमें लगाना है ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और उसके बाद हम दो दो वालों को ऐसे यहाँ पे रख देंगे, इन दोनों को साथ में जोड़ के
इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पे हम चार वाला लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमें चाहिए तीन दो वाले लंबे वाले, हाँ यहाँ पर लगाने के लिए ताकि जगह फिल हो जाए। हाँ और अब हम इसको अच्छा दिखाने के लिए कुछ इस तरीके के भी ले सकते हैं, ऐसे चार कोई भी कलर के। यहाँ पे हम एक चार वाला लगा देंगे इसके दो छोड़कर, यहाँ पर हम इसको लगाते जाएंगे चार ऐसे। ये हमारे लग गए। मैंने कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमने बीच में दो ग्रीन बीच में लगाए और दो रेड साइडों में। उसके बाद हम ले लेंगे ये दो यहाँ पे ऐसे लगाने के लिए, और एक चार वाला यहाँ पर लगाने के लिए, और एक और ये डबल साइडेड पतले वाला चार वाला, और एक और चार वाला ले लेंगे इसको मोटा करने के लिए। फिर हम चाहिए दो टाइल्स जो यहाँ से चार की है पर डबल साइडेड, और ये सिंगल लेयर की है डबल साइडेड, सिंगल लेयर है ये चार वाले की। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, यह हमारा बन गया। फिर हम इसका सेल बनाते हैं इन जब से ऐसे करके यहाँ पर, और अब हम इसका सेल बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारा सेल बन गया, हम इसको यहाँ अंदर डाल देंगे। और ये दो हम ड्रिल बना सकते हैं। पहले हमें ये काले वाला एक ऐसा चाहिए ताकि ये अच्छा लगे, ये ऐसे, और एक ये गोल गोल घूमने वाला एक पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा घूमने वाला बन गया। अब हम इसकी पिंस बनाते हैं। ये हम दो ऐसे गोल वाले लेके दो का वो बना देंगे, और एक ट्रायंगल ऐसा सुई वाला ले लेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर हम बनाएंगे एक पतली वाली कुछ इस तरीके के दो लेकर, ये हमारा बन गया। उसके ऊपर ये ट्रायंगल सुई वाला लगा कर इसको हम ऐसे सामने लगा सकते हैं, और इसको यहाँ पर लगा सकते हैं मोटी वाली ड्रिल, और इसको हम इसको नीचे का खोलकर यहाँ पर इसमें सेल डाल सकते हैं। यहाँ डालकर बंद कर दिया, ये हमारा बन गई ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस कनवेंट कावे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ में लाइक भी करिएगा। थैंक यू।